हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस दिवाली के जितने भी दिए थे हम उनसे बनाने वाले हैं DIY। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे दिए हैं बट मैंने आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें बना के दिखाई हैं, जैसे कि कछुआ। और आपने तो देखा ही है मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट करिए। और आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बार अयोध्या में कितने लाख दिए जले, और जो इस सवाल का जवाब देगा उसका नाम अनाउंस होगा मेरे चैनल पे। तो चलिए वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ दिए और इन दियों के मदद से हम बनाएंगे ये प्यारे प्यारे कछुए। तो यहाँ पे मैंने एक साइज के 4 दियों को लिया है और अच्छे से फॉस कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद इन दियों को हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी ली है और इस वॉल पुट्टी की मदद से हम इसे कछुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वॉल पुट्टी को इस तरह गोल गोल कर दिया है और अब हम इस वॉल पुट्टी को दिए के ऊपर चिपकाएंगे। और यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि हमें दिक्कत ना हो हाथों में ये चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्लू लिया है और जो हमारा फेविकोल होता है, और इसे हम इस दिए के ऊपर लगा देंगे अच्छे से। और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हम निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। और इस दिए को हम इस तरह चिपका देंगे, मतलब इस वॉल पुट्टी को, और इसी तरह हम दूसरे दिए में भी यही प्रोसेस करेंगे। इस तरह हम गोल गोल लेंगे और हमें ऐसे ग्लू लगाना है जो कि 10 रुपये डिब्बी आराम से मिल जाती है। और वॉल पुट्टी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये हार्डवेयर की दुकान पे आराम से 20-30 रुपये पर केजी में मिलती है और इससे काफ़ी सुंदर सुंदर DIY बनते भी हैं। तो इसे हम इस तरह से हर दिए के ऊपर, मतलब हमने 4 दियों के ऊपर इस तरह चिपका लिया है। और जितनी भी वॉइस आ रही है आपको तो उसे इग्नोर करिए क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। और इसे भी हम इस तरह चिपका लेंगे और अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे। और अब हम पानी की मदद से इन दियों को फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे 4 दियों के ऊपर हमने ऐसे चिपका दिया है वॉल पुट्टी और अब हम इसे पानी की मदद से फिनिशिंग दे देंगे इन सारे दियों के ऊपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो ये सूख गया है, सूखने के बाद हमने वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है। पेस्ट को हम इस तरह हम चिपका देंगे, लगा देंगे और दोनों ही दियों को आपस में जॉइंट कर देंगे और जो भी जॉइंट का निशान होता है वो दिखना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने वॉल पुट्टी को अच्छे से लगा दिया है और अच्छे से हमने फिल कर दिया है। और दूसरे दिए के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह हम दोनों दियों को आपस में जॉइंट कर देंगे और इसमें वॉल पुट्टी का पेस्ट फिल कर देंगे। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं हर हफ्ते लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और होम डेकोरेशन रिलेटेड वीडियो मैं बनाती हूँ। और इस तरह आप कछुए की गर्दन भी बना लीजिए और एक नाइफ या चम्मच की मदद से
कछुए का मुंह बना लेंगे। अब हम इसे एक तिल्ली की मदद से नोज भी बना देंगे। और अब हम एक ढक्कन की मदद से इसको इस इनके सिर को ऐसे टिका देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। दूसरे कछुए को भी हम इस तरह जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे भी हम नोज़ बना लेंगे, फेस बना देंगे और इस तरह ढक्कन लगा देंगे। और अब हम दोनों को ड्राई होने के लिए रख देंगे और पीछे से हम पहले पूंछ बनाएंगे कछुए की। और इस तरह मैंने वॉल पुट्टी लिया और ये पीछे से हमने ऐसे पूंछ बना दी। और ड्राई होने के बाद ही हम कलर करेंगे। तो जब ये सूख जाए तभी आप कुछ और भी करना। तो ऐसे ही मैंने एक और दिया लिया है और उस दिए के ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है। तो इस दिए से हम बना रहे हैं पेपर वेट और इस दिए का इस्तेमाल भी आप इस तरह कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा दिया, मतलब एक लेयर चढ़ा दी दिए के ऊपर और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और पानी की मदद से हम फिनिशिंग दे देंगे। और ये देखिए हमारे दोनों कछुए सूख चुके हैं और अब हम पेपर सेंट की मदद से इन्हें फिनिशिंग देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है हम निकाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। अब हम वॉल पुट्टी लेंगे और पैर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ग्लू लगाकर पैर बनाए हैं इस तरह। आप आराम से एक थोड़ा सा ग्लू लगा लीजिए, नहीं तो पानी लगा लीजिए, वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा लीजिए और इस तरह आप चिपका दीजिए इनके पैरों को। तो इस तरह हम जो भी जॉइंट नज़र आ रहा है उसे हम भर देंगे ताकि ये जॉइंट नज़र ना आए। और एक चम्मच की मदद से, नहीं तो नाइफ़ की मदद से हम इस तरह पैरों में निशान बना देंगे ताकि ये पैर अच्छे लगे देखने में, मतलब रियल में पैर ही नज़र आए। और इस तरह हम दूसरे कछुए के भी पैर बनाएंगे। चारों पैरों को अच्छे से जोड़ देंगे पानी लगाकर। अब पैरों में हम निशान बनाएंगे। पहले पैरों के जितने भी निशान दिख रहे हैं इन्हें हम भर देंगे इस तरह। तो ऐसे पैरों में हम निशान बना लेंगे ताकि ये रियल में पैर नज़र आए। और अब हम जो हमने इस दिए के ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट वॉल पुट्टी लगाई थी इसे भी हम सैंड पेपर की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। और ये देखो कितना सा अच्छा लग रहा है। अब हम वॉल पुट्टी की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा और इस तरह हम डिज़ाइन बनाने के लिए बनाएंगे। पहले हम ऊपर से ग्लू लगा देंगे और इस तरह हम चिपका देंगे। इसी तरह हम नीचे भी करेंगे और इस तरह हम चिपका देंगे, जॉइंट कर देंगे। और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये इस डिज़ाइन को हम डोकरा आर्ट कहते हैं। और नीचे भी हम इस तरह वॉल पुट्टी को चिपका देंगे। और इससे बनाने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा कि हमने वेस्ट दियों का इतना अच्छा इस्तेमाल करा अपनी डेकोरेशन के लिए। और मैंने फ्लिपकार्ट पर भी देखा था तो यहाँ वहाँ पे 500-600 रुपये से नीचे कोई भी होम डेकोर
चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक फूल इस तरह। तो मैंने कछुआ देखा था और कछुआ वहाँ फ्लिपकार्ट पे 500-600 से नीचे नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वेस्ट मटेरियल से ही कछुआ बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास दिए रखे थे तो हमने इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे किया। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है डिज़ाइन एक फूल, और अब हम नीचे भी डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह हम डिज़ाइन बना देंगे गोल गोल। ये प्रोसेस बहुत आसान है और इसे बनाने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए बन गया। अब हम इनके गले में भी कुछ पहना देंगे ताकि ये और अच्छा लगे देखने में। तो अब हम दूसरे कछुए को भी कुछ इस तरह सजाएंगे, पर इनका डिज़ाइन कुछ अलग होगा। तो हमने वॉल पुट्टी को इस तरह लगा दिया ऊपर से। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे आप वैसे ही करिए। आप डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं, कलर से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और ऐसे एक गोली लेके और ग्लू को लगाते हुए चिपका देंगे। मैंने यहाँ पे दो कछुए बनाए हैं, आप एक बनाइए दो बनाइए, आपको जितने अच्छे लगे उतने बनाइए। और मैंने यहाँ पे राजा रानी का एक सेट बना दिया है। दो कछुए साथ में रखे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं डेकोरेशन के लिए भी, और आप टेबल के लिए एक कछुआ भी बना सकते हो। तो इस तरह हम डिज़ाइन बना देंगे। नीचे का भी डिज़ाइन कुछ अलग होगा। तो इस तरह हम इसे देखिए, हमें औजार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, हमने चम्मच की ही मदद से ये डिज़ाइन बना दिया है। तो कोई भी इसमें फालतू खर्चा नहीं था, बस आपको दो ही चीज़ लेनी पड़ेगी और बाकी आपके घर में तो सामान है ही। और यहाँ पे हम एक एक करके ग्लू लगाते हुए इस ऐसे डिज़ाइन लगा देंगे। और अब हम बनाएंगे कछुए की आँख। तो इस तरह मैंने ग्लू लगाया और आँख बना दिए। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो जो हमने दिए के ऊपर वॉल पुट्टी लगाई थी, इसके ऊपर भी हम ग्लू लगाकर कुछ डिज़ाइन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा करा, ये देखिए कितने आराम से हो गया। आप कोई गत्ता भी ले सकते हो। तो इस तरह हम डिज़ाइन बनाते हुए इसको भी कर देंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी बेशक है, पर बहुत काम की वीडियो है और बहुत लंबी भी नहीं है। और यार मेरा माइक भी ख़राब हो गया और मुझे ऐसे ही काम करना पड़ रहा है, तो वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो आप देखिए मैंने कितना सुंदर डेकोरेटिव पीस बनाया। तो इसको आप पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वी टाइप का डिज़ाइन बनाते हुए ये सारे डिज़ाइन बनाए हैं। ये देखिए इसमें हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया। और मैं इसे बनाने में ना इतनी मगन थी कि मैं कैमरे में भी ध्यान नहीं दे रही थी, बार बार कैमरे के नीचे मैं आती जा रही थी, मतलब कैमरे से मैं हटती जा रही थी। और ये देखिए इस तरह हमने इसे पूरा भर दिया। अब जब ये ड्राई हो जाए सूख जाए तो हम कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन लाइट कलर और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो यहाँ पे मैं इन्हें कलर कर दूँगी अच्छे से।
आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो करिए। और यहाँ पे मैंने लिया है गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर को हम उंगलियों की मदद से ऊपर से इस तरह लगा देंगे ताकि ये थोड़ा शाइन आए। और यहाँ पे मैंने लिया है कछुआ, और अब हम कछुए में कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है स्काई ब्लू कलर। ये सारे कलर फैब्रिक के कलर हैं और ये आराम से आपको 20 रुपये डिब्बी मिल जाती है और वाटरप्रूफ भी होती है। और आप तो जानते ही हो, जो लोग कलर करते हैं वो लोग जानते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है नीचे डार्क ब्लू कलर। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप अपने हिसाब से करिए। और बहुत लोग ब्लैक करके और ऊपर से गोल्डन करते हैं, बट मैंने ब्लैक नहीं करा। और नीचे हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। अच्छे से हम ब्लू कलर को कर देंगे। और आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्लू कलर हो गया है। अब हम लेंगे गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर को हम उंगलियों पे लगाते हुए इस तरह लगा लेंगे। तो ये सब फैब्रिक कलर हैं, जो कैमल के फैब्रिक कलर आते हैं वो ही हैं। तो ये जल्दी से छूटते नहीं हैं और वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो इस तरह हम अच्छे से लगा देंगे ताकि इनमें एक अलग सी ही शाइन आए। तो ये लग गया है। और इस तरह ही हम यहाँ पे मैंने पर्पल कलर करा है दूसरे कछुए में, और ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। इस कलर को बनाने के लिए मैंने लिया है वाइट, रेड और ब्लू कलर। वाइट ज़्यादा था, ब्लू कम था। ब्लू मतलब एक ही बूंद था और रेड 2 बूंद थे, बस इतना आप समझ लीजिए। तो ये कलर आपका बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा पर्पल कलर हो गया है। और हम इसके ऊपर भी गोल्डन कलर से इस तरह डिज़ाइन मतलब इस तरह लगा देंगे ताकि एक शाइन आए। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वही कलर लगाइए। तो अब इसका देखिए फाइनल लुक।